खबर है, पतंगबाजी ने तोड़े थे पर, लेकिन आज नभ की ओर उठ चले हैं नभचर। 10 दिन रिहाब में रहने के बाद आज फिर शांति दूतों ने परवाज भरी है। यहाँ पीकॉक गार्डन में गणतंत्र दिवस पर एक अनोखा सेवा भाव नजर आया। वन विभाग और रक्षा संस्थान ने 100 से अधिक कबूतरों को रिलीज किया। DFO कपिल चंद्रावन, ACF रघुवीर मीना और रक्षा संस्थान के रोहित गंगवाल इस दौरान मौजूद रहे। संक्रांति पर पतंगबाजी में घायल हुए पक्षियों को आज एक बार फिर से आकाश की सैर करने का मौका मिला है। पक्षियों के शिविरों में वन विभाग और रक्षा संस्थान के वॉलंटियर्स ने कमाल किया है। इतनी मेहनत उनकी जान को बचाने के लिए उन्हें फिर से इस लायक बनाने की वो उड़ान भर पाए। और ये सुखद तस्वीरें हैं, ये हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि ये एक जन संदेश जानना भी जरूरी है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जिन पक्षियों के उड़ान के सिलसिले को पतंगबाजी और मांझों ने एक बारगी के लिए रोक दिया था, एक बार फिर से वो नभचर आकाश की ओर बढ़े और आसमान की ओर बढ़कर ये सेवा भाव जो था 10 दिन का, ये कहीं ना कहीं रंग लाया है। बेहद खास ये तस्वीरें, क्या कहेंगे? खास तौर पर देखिए जयती, बहुत ही भावनात्मक दृश्य है जिसको देख करके किसी की भी आंखें भर जाएं। ये वही बेजुबान परिंदे हैं जो कभी आकाश में अपनी परवाज से पूरे आकाश को नाप दिया करते थे। इनको तो शांति दूत कहा जाता है, खासकर कबूतर को तो। और ये वो पतंगबाजी, वो चाइनीज मांझा जिसकी दौर में उलझ कर इन्होंने अपने पर कटवा लिए, किसी की गर्दन कटी, किसी के पंख उड़ गए, किसी के पैर कट गए। लेकिन देखिए सेवा भाव देखिए आप। रक्षा संस्थान जिसको रोहित गंगवाल और उनकी पूरी टीम चला रही है, उसके अलावा वन विभाग, खासकर DFO कपिल चंद्रवाल की बात करें या ACF रघुवीर मीना की बात करें, पूरे झालाना के स्टाफ की बात करें, खासकर जिसमें जनेश्वर चौधरी जो रेंज अधिकारी हैं, जो वहाँ के वनपाल जोगेंद्र शेखावत, तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत करी नेचुरलिस्ट के साथ मिलकर, गाइड्स के साथ मिलकर, वॉलंटियर्स के साथ मिलकर। और तो और देखिए जयती, लंदन से डॉक्टर एशले क्लेटन और उनकी जो वेटनरी नर्स है मैथ्यू रेंडल, दोनों सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि एक बार जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने देखा पतंगबाजी में बहुत से पक्षी घायल हुए, तो इस बार उनमें सेवा भाव जागा और वो सात समंदर पार, यानी लंदन से सिर्फ इसलिए आए थे रक्षा संस्थान के शिविर में कि पतंगबाजी में जो बेजुबान जो घायल होंगे, जो बेजुबान जो जिनकी परवाज को रोक दिया जाएगा उस मांझे द्वारा, उनको वो ठीक कर सके। और देखिए सेवा भाव का नतीजा कि सात समंदर पार से अगर एशले क्लेटन यहाँ पर आते हैं और नर्स मैथ्यू रेंडल यहाँ पर आती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुखद दृश्य है, बहुत भावनात्मक दृश्य है। इन लोगों ने 10 दिन कड़ी मेहनत करी, पंखों को वापस जोड़ा, उनकी सर्जरी करी, उनको दवा दी, उनको बच्चों की तरह पाला इन बेजुबान परिंदों को। और आज वो दिन आया 10 दिन के इंतजार के बाद, जब गणतंत्र दिवस, जब देश का जो एक बहुत बड़ा संवैधानिक एक पर्व है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उस दिन इन 100 से ज्यादा बेजुबान परिंदों को, जिनमें कबूतरों की संख्या ज्यादा है, उनको वापस से रिलीज किया गया। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या भावनात्मक परवाज उन्होंने भरी है, जैसे ही वो निकलते हैं टोकरी से बाहर और आसमान की तरफ उड़ते हैं, तो सबको धन्यवाद, ऐसा लगता है कि सबको धन्यवाद दे रहे हो बेजुबान परिंदे कि आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की, आप लोगों ने हमारा बड़ा ध्यान दिया है। लेकिन साथ साथ आप एक सबको संदेश भी दीजिए कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और पतंगबाजी को कम से कम सुबह शाम गोधूली के वक्त और जो भोर का वक्त है जब पंछी अपने नीड से निकल करके भोजन की तलाश में उड़ते हैं, तो कृपया उस समय पतंगबाजी ना करें। तो निश्चित तौर पर एक भावनात्मक दृश्य है, लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से रक्षा संस्थान के वॉलंटियर्स को, वन विभाग के उन वॉलंटियर्स को जिन्होंने 10 दिन तक बच्चों की तरह इन बेजुबान परिंदों को पाला, इनकी सेवा करी, इनका इलाज किया और आज वापस इनको आकाश में छोड़ा। जय श्री। बिल्कुल निर्मल जी, जब खबरें पढ़ते हैं इस तरह की तो एक उत्साह भी बढ़ता है और एक उम्मीद भी जागती है कि मानवता कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।